तो भक्तों, ये है वो पेड़ जिस पर चढ़ के भगवान श्री कृष्ण ने छलांग लगाई थी यमुना नदी में, और यमुना नदी यहाँ पे बहा करती थी, और आज वो यहाँ से करीब 2 किलोमीटर आगे जा चुकी है। जय श्री राधे, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूँ विकास जंगम, और आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ वो जगह जब जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को भगाया था यमुना नदी से। जब वो आया था यमुना नदी के अंदर भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, तो वो आपको मैं जगह दिखाने वाला हूँ। और आपको मैं दिखाने वाला हूँ 5,500 साल पुराना वो पेड़, वो कदम का पेड़ जो भगवान श्री कृष्ण ने उसके ऊपर चढ़ के यमुना नदी में छलांग लगाई थी और फिर कालिया नाग को भगाया था। और उस पेड़ की ये उस पेड़ के बारे में ये भी कहते हैं कि इस पेड़ के जब समुद्र मंथन हुआ था, गरुड़ जी अमृत का कलश जब लेके आ रहे थे तो इस वृक्ष के पास बैठ के आराम कर रहे थे, तो उन्होंने कलश यहाँ पर रख दिया था। और यहाँ पे उस कलश के निशान भी हैं और भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशान भी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का सारा जगह, और वो आपको पेड़ भी दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भक्तों, ये है वो पेड़ जिस पर चढ़ के भगवान श्री कृष्ण ने छलांग लगाई थी यमुना नदी में, और यमुना नदी यहाँ पे बहा करती थी, और आज वो यहाँ से करीब 2 किलोमीटर आगे जा चुकी है। और यही वो वृक्ष है, और ये 5,500 साल पुराना वृक्ष है, और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को भगाया था। और यहीं पे वो जो बॉल खेलने आते थे, आपने सुना होगा भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बॉल खेलने के लिए आए थे, फिर उन्होंने बॉल यमुना नदी में फेंक दी थी और फिर उसको निकालने के लिए यमुना नदी के अंदर चले गए थे। तो वो यही जगह है और वो यही वृक्ष है, इसी के ऊपर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण ने यमुना नदी के अंदर छलांग लगाई थी। और आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान भी हैं, तो आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए, ये देखिए, आपको ये फूल जो रखा हुआ है, ये पंडित जी ने मुझे बताया था कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के निशान हैं, जो अपने पैर के आगे के नाखून होते हैं अंगूठे, उसके निशान हैं। और उसके बाद ये देखो ऊपर पैर के निशान, एक ये रहा और एक ये रहा। तो इसके ऊपर चढ़ के फिर वो यमुना नदी में कूदे थे। और काफ़ी साल पुराना पेड़ है, 5,500 साल पुराना बताया जा रहा है, और काफ़ी बड़ा पेड़ है ये। मैंने इतना बड़ा पेड़ कभी देखा नहीं, बहुत बड़ा पेड़ है ये। और यहाँ पे जो आपको मैंने बताया था, जो गरुड़ जी समुद्र यंत्र से जो अमृत लेके आ रहे थे, जो यहाँ पे विश्राम के लिए बैठे थे, वो आपको मैं कलश जो उन्होंने रखा था, उस कलश के भी निशान हैं। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कलश के निशान। ये देखिए, आपको ये दिख रहा होगा कलश, ये कलश है, यहीं पर रखा था भगवान गरुड़ ने वो कलश। तो आज भी यहाँ पे कलश के निशान बना हुआ है, आप ये बिल्कुल मैच कर सकते हो। यहीं पे रखा था वो कलश, और आज भी निशान बने हुए हैं यहाँ पे, साक्षात 5,500 साल पुराना निशान है ये, देखिए। तो और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये पेड़ अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका है, इसके अंदर बिल्कुल भी लकड़ी नहीं है, अंदर से बिल्कुल खोखला है, फिर भी देखिए ये हरा भरा हुआ है। और यहाँ पे बहुत शांति है, और बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है। तो चलिए आपको मैं ये अंदर से दिखाता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर खोखला है ये। आपको मैं लाइट जला के दिखाता हूँ, ये देखिए, आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं दिखेगा, बिल्कुल खोखला पेड़ हो चुका है ये, आपको दिख रहा होगा शायद, ये बिल्कुल खोखला हो चुका है पेड़। और भगवान की कृपा से ये बिल्कुल हरा भरा है आज भी, इतने साल पुराना, और भगवान श्री कृष्ण का सबूत है ये। और यहाँ पे लोग वाग जो भक्त आते हैं वो यहाँ पे ये चुन्नियाँ बांध जाते हैं अपनी मन्नत के लिए, उनकी जब मन्नत पूरी हो जाती है तो इनको खोलने के लिए आते हैं। तो बहुत ही प्राचीन पेड़ है ये, और बहुत ही प्राचीन जगह है। और आपने सुना ही होगा, काली दह पे खेलन आ जाइयो बुला रही राधा प्यारी, तो वो यही काली दह है। और ये काफ़ी पुरानी जगह है, और किसी दिन यहाँ पे यमुना जी बहा करती थी, और आज यहाँ से 2 किलोमीटर दूर बात बहती है यमुना जी। और देखिए ये कितना बड़ा पेड़ है,
बहुत बड़ा पेड़ है और ज़मीन के अंदर भी धंसा हुआ है। देखिए इसकी जड़ यहाँ भी निकली हुई है, पत्थर को तोड़ के जड़ बाहर आ गई है। बहुत पुराना पेड़ है ये देखिए, और इस पेड़ के ऊपर काफ़ी निशान है भगवान श्री कृष्ण के। और बहुत ही आज बहुत अच्छा लगा मुझे इस पेड़ को देखकर और यहाँ पे हाथ लगाकर बहुत अच्छा लगा। ये देखिए बहुत अच्छा पेड़ है। और चलिए आपको मैं आसपास की जगह दिखाता हूँ। तो ये सरकार ने बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं था पहले, ये घाट बना दिया गया है, ये यमुना घाट था। और यहाँ पे कालिया नाग, जो देखिए यहाँ पे ये प्रतिमा भी लगाई गई है कालिया नाग की, ये देखिए। और आगे भी है, चलिए आगे से भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ये कालिया नाग, और कालिया नाग के ऊपर हैं भगवान श्री कृष्ण जो बांसुरी बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और ये कालिया नाग की दासी है जो सब माफ़ी मांग रही है भगवान श्री कृष्ण से। तो ये प्रतिमा बनाई गई है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा नज़ारा है ये देखिए। और ये काफ़ी पुराना है, इसको रिन्यूअल किया गया है दोबारा। और ये कदम का पेड़ ये देखिए, वो पेड़ है, ये 5,500 साल पुराना, काफ़ी बड़ा पेड़ है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राधा मनोकामना सिद्ध केली कदम वृक्ष परम प्राचीन। तो ये बहुत प्राचीन वृक्ष है, बहुत प्राचीन वृक्ष। तो आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा? मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण के 5,500 साल पुराने सबूत दिखाए, और वो पेड़ दिखाया कदम का, और वो आपको मैंने कदम का पेड़ दिखाया 5,500 साल पुराना, और काफ़ी प्राचीन जगह है गाइस। तो काफ़ी प्राचीन जगह है, आप यहाँ पे ज़रूर आना काली दह पे। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, कि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।